कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडेयन ने 4 अगस्त से 3 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया है, जो 10 अगस्त सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिसके संबंध में जिलाधिकारी केवीएन पांडेयन ने बताया कि जनपद में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मंगलवार 4 अगस्त को प्रातः 5 बजे से 10 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 5 बजे तक थाना कैंट, गोरखनाथ एवं राजघाट में लॉकडाउन लगाया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कैंट थाना क्षेत्र में सभी बड़े सरकारी कार्यालय और दुकानें हैं, जिससे इस क्षेत्र में भीड़ ज़्यादा लग जाती है और लोग संक्रमित हो जाते हैं, जिसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कैंप लगाकर लोगों के कोरोना टेस्टिंग कराई जा सके। जिलाधिकारी ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील किया है कि घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। जिलाधिकारी केवीएन पांडेय ने बताया कि आवश्यक सेवाएं, दवा दूध आदि, राजकीय कार्यालय, बैंक आदि खुले रहेंगे। कर्मचारी अपने विभागीय पहचान पत्र के माध्यम से अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। कोरोना से संबंधित चिकित्सीय सुविधा जारी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडेयन ने कहा, देखिए 3 प्रमुख थाना क्षेत्र गोरखपुर का है, कैंट है, गोरखनाथ है और राजघाट। तीनों थाना क्षेत्र में हम लोग लॉकडाउन किए हैं 1 सप्ताह के लिए, ताकि यहाँ तो लगातार केसें बढ़ती जा रही है और रुकने के नाम भी नहीं ले रहा, और यहाँ का मूवमेंट भी अक्सर ज़्यादा है एंड यहाँ सरकारी दफ्तर भी ज़्यादा है। हो सकता है कि उसी की वजह ही पब्लिक मूवमेंट हो। यहाँ जो कचहरी भी है, यहाँ कलेक्ट्रेट भी है और जिला अस्पताल भी है। ये इलाका बहुत घनी आबादी क्षेत्र है एंड यहाँ लाखों लोग रोज़ आते हैं किसी न किसी सेवा के रूप से, और उसी की वजह यहाँ का अधिकारी लोग भी संक्रमित हो जा रहे हैं और जनता लोग भी संक्रमित हो जा रहे हैं। इसलिए 3 क्षेत्र में हम लोग बंद किए हैं, उसको टेस्टें हम बढ़ाएंगे और इस पर जो संक्रमित लोग हैं उनको अलग कराएंगे और करा के जो उसको हम लोग बचाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं आपके जरिए से मैं अपील करने चाहता हूँ, देखिए लगातार केस बढ़ती जा रही है, हम भी टेस्टें बढ़ाते जा रहे हैं, 2500 टेस्ट पर डे के हिसाब से हम करा रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 9 से 10 के बीच में मिल रहा है, यानी अभी भी पब्लिक में इतने अवेयरनेस नहीं है हम लोग कितने बार कहने के बाद भी, और मास्क बहुत लोग नहीं पहन रहे हैं, और सैनिटाइजेशन हाथ को बार बार धोने की बात है, और 2 गज का दूरी, ये सोशल डिस्टेंसिंग में बार बार कहने के बाद भी हो नहीं पा रहा। हम तो शक्ति तो करा रहे हैं बट ऐसा नागरिक हम लोगों को भी जिम्मेदारी होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहयोग नहीं करेंगे इसी बीमारी से बचाना मुश्किल हो जाता है। अब तक कोई इलाज नहीं इस बीमारी का, हमारा बेडें बढ़ती जा रही है, हमारा भी एक सीमा है, सरकारी अस्पताल के भी एक सीमा है, प्राइवेट अस्पताल की भी सीमा है, बेड के कैपेसिटी के भी सीमा है। तब तक नया केसेस हम नहीं रोकेंगे, इसी का अंकुश कराना, उसको नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया करके गंभीरता के समझ लीजिए, घर से ज़रूरत है तो तब निकालिए, नहीं तो अभी भी मान लीजिए लॉकडाउन है, ये वायरस हम लोग का बीच में ही है। अब कितने बाहर कितने घूमते हैं उतने आपका संभावना ज़्यादा है इन्फेक्ट होकर के। केवल आप नहीं चपेट में आएंगे, पूरा परिवार आएगा और आपके गली आएगा, पूरा शहर आ सकता है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कृपया करके ज़रूरत है तो जाइए, नहीं तो अवॉइड करिए बाहर जाना, और 1 महीने के लिए वक्त दीजिए, तब तक ये केस घट जाता तो फिर आराम से आप जा करके जो भी काम है रोज़मर्रा काम कर सकते हैं। तब तक का सावधानी से रहिए।